गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अत्रा शहरियार और मेरे चैनल पे आपको मिल रहा है जी मेकअप का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ हम सीखने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया उन्होंने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और बाकी की डिटेल्स आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आज है हमारा डे 15। डे 15 में हम लोगों ने बात करनी है कलर की ब्लेंडिंग के बारे में, कि हमने कलर को डिपॉजिट करने के बाद कलर को ब्लेंड किस तरह से करना है। बेसिकली हम लोगों ने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है मोनोक्रोमेटिक लुक्स के बारे में, पॉलीक्रोमेटिक लुक्स के बारे में, किस तरह की लुक्स होती है, कौन से कलर सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है गाइज तो आप जल्दी से जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि हर अगली क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड है। जब तक आपको पिछला लेक्चर क्लियर नहीं होगा आपको अगली चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो ब्लेंडिंग करेंगे वो सेम फैमिली के कलर्स को चूज करके करेंगे, और इसके अलावा हम लोगों ने ऑपोजिट कलर्स को चूज करके भी ब्लेंडिंग करनी है। बेसिकली हम लोगों ने ब्लेंडिंग को सीखना है, हमने कलर को डिपॉजिट तो नहीं करना। जब हम लोग कलर जब डिपॉजिट करते हैं तो एक कलर हमने यहां अप्लाई किया, दूसरा कलर हम लोगों ने यहां अप्लाई किया, अब इन दोनों कलर्स को आप इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये कलर अलग और ये कलर अलग नजर नहीं आ रहा होना चाहिए, बल्कि आपके दोनों कलर इतने ब्लेंडेड हो कैसा लग रहा हो कि एक कलर के अंदर से ही दूसरा कलर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है आई मेकअप में भी। हालांकि आपने अपने पूरे फेस के मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जी आई मेकअप की। तो पहले आई मेकअप की ब्लेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे गाइज। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि कलर को मिक्स करना और कलर को ब्लेंड करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कलर को मिक्स करते हैं जब हम, तो हम दूसरे कलर्स बनाते हैं, यानी प्राइमरी कलर्स जब मिलते हैं आपस में तो वो बन जाते हैं सेकेंडरी कलर। ये बात भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, तो इसको बोलते हैं कलर मिक्सिंग। लेकिन कलर को ब्लेंड करना एक अलग चीज है। ठीक है, कलर को ब्लेंड करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि लाइट शेड से डार्कर शेड की तरफ या फिर डार्कर शेड से लाइट शेड की तरफ आते हैं। किस तरह से करना है चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास आई मेकअप करने के लिए ये मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड नहीं है तो आप अपने हैंड्स पर और अपने आर्म्स पर आईज बनाकर और ब्लेंडिंग की ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहां तक कि आप एक पेज पर भी आईज बनाकर और ब्लेंडिंग की ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वाली आई पर मेकअप करने के लिए मैं पहले चूज कर लेती हूँ जी पिंक शेड। अब पिंक की आप लोग यहाँ पे रेंज देख सकते हो, पिंक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो पिंक से आहिस्ता आहिस्ता डार्क पिंक होता जा रहा है, उसके बाद रेड की शेड आ गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसमें से सबसे पहले, या तो आपकी मर्जी है आप डार्कर शेड से स्टार्ट करो और लाइटर शेड पे जाओगे, या फिर आप लाइटर शेड से स्टार्ट करोगे और डार्कर शेड पे जाओगे। एज यू नो कि हम लोगों ने जब हम लोग लेक्चर था हमारा ब्रशेस का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कलर को डिपॉजिट करने के लिए हम ऐसा फ्लैट ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कलर अप्लाई करूंगी। कलर आपने सबसे पहले क्रीज में अप्लाई करना होता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइट शेड ले रही हूँ पिंक का। पिंक का ये वाला लाइट शेड मैंने पिक किया है। ठीक है, और उसके बाद ये देखें मैंने पिक कर लिया है, एक्स्ट्रा कलर को आपने झाड़ लेना है और उसके बाद आपने कलर डिपॉजिट करना है। ये हमारा क्रीज एरिया होता है, इसके अंदर हम कलर को डिपॉजिट करेंगे। अब पिंक में रहते हुए मैं थोड़े से डार्क शेड की तरफ आ रही हूं, मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया है, दिस वन। ठीक है, और इसको मैं अपने क्रीज एरिया में ही अप्लाई करूंगी, क्रीज एरिया से ऊपर नहीं जाना मैंने। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ब्लेंडिंग करके क्रीज एरिया के ऊपर चले जाना है, इसलिए फिर मैं इसको यहां पर अप्लाई कर रही हूं। हमेशा याद रखिएगा लाइटर शेड आपका थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे आपका डार्क, उससे नीचे उससे डार्क, उससे नीचे उससे डार्क और उससे नीचे उससे डार्क। ठीक है, आपने यू नहीं करना कि डार्क सबसे ऊपर हो फिर लाइटर हो फिर लाइटर हो फिर लाइटर, नहीं, हमने नीचे लाइटर लगाना होता है, हमने नीचे डार्कर लगाना होता है, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता लाइट कलर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा अब डार्क लगा रही हूँ इसलिए नीचे की तरफ आ रही हूँ। डार्क कलर हमेशा नीचे होंगे, लाइट कलर हमेशा ऊपर होंगे। बात जी मैंने लिया है पिंक की शेड्स में ही रहते हुए, फैमिली में रहते हुए पर्पल शेड, क्योंकि पर्पल शेड जो है पिंक से ही निकलता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपको ये पर्पल अलग और ये वाला पिंक अलग नजर आ रहा होगा, इसको मैंने करना है ब्लेंड। अब ये ब्लेंड किस तरह से करूंगी, ठीक है, पहले मैंने एक कलर डिपॉजिट कर दिया, अब जो कलर मुझे चाहिए थे वो मैंने कलर डिपॉजिट कर दिए, अब मैंने करनी है ब्लेंडिंग, ताकि मेरा ये पर्पल शेड आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें आपको ये पर्पल शेड और ये पिंक शेड दोनों अलग अलग नजर आ रहे होंगे। अब मैंने स्टार्ट करनी है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने के लिए हम हमेशा ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश यूज करते हैं, कोशिश करें आपका ब्रश बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने चूज करना है जी लाइट शेड। ठीक है, मैं पिंक की फैमिली में वर्किंग कर रही हूँ इसलिए मैं पिंक का लाइट शेड यूज करूंगी, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने लिया। और इन दोनों कलर्स को अब मेरी मूवमेंट देखें, मेरा ब्रश जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है,
जितना हमारा ब्रश गोल गोल घूमता है उतना कलर हमारा ब्लेंड होता जाता है, ठीक है। तो इस कलर ब्लेंडिंग करने के लिए बिल्कुल इसके और इस वाले कलर के दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब आप मेरे ब्रश की मूवमेंट देख लो, मैं तेज तेज कर रही हूँ तो मैं किस तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और स्लो स्लो में देखें तो यूं इस तरह से मेरा कलर जो है वो ऊपर की तरफ फैल भी रहा है। अब आप देख सक रहे हो कि क्रीज वाला जो एरिया है वहां पे हमारा कलर डार्क होना चाहिए, क्रीज से ऊपर कलर लाइट होना चाहिए, और नीचे फिर आपकी मर्जी आप शिमर अप्लाई करते हो या डार्क मैट शेड रखते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने सेम फैमिली में रहते हुए किस तरह से ब्लेंड किया है कलर। आप देखें यहाँ पे आपको डार्क कलर यहाँ से नीचे नजर आ रहा होगा, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से कलर बिल्कुल उसका ह्यू रह गया। यहां तक मैंने बाहर भी निकाला है, जब मेरे मूवमेंट थी कलर की ब्रश की तो कलर आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी निकला है, और आप देख सकते हो कि यहाँ जो कलर है हमारा वो लाइट है, बीच में डार्क है। हमने कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहां तक हम डार्क शेड अप्लाई कर लें, नो। क्रीज से नीचे हम डार्क शेड अप्लाई कर सकते हैं, क्रीज एरिया से ऊपर जो है हमारे पास उसमें हम लोगों ने डार्क शेड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये कलर अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस एरिया पर पर्पल ही, एक ही फैमिली में रह के कलर कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर पर्पल कलर का शिमर अप्लाई करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने सेम फैमिली में रहते हुए किस तरह से ब्लेंड किया है कलर। आप देखें यहाँ पे आपको डार्क कलर यहाँ से नीचे नजर आ रहा होगा, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से कलर बिल्कुल उसका ह्यू रह गया। यहाँ तक मैंने बाहर भी निकाला है, जब मेरे मूवमेंट थी कलर की ब्रश की तो कलर आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी निकला है, और आप देख सकते हो कि यहाँ जो कलर है हमारा वो लाइट है, बीच में डार्क है। हमने कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहाँ तक हम डार्क शेड अप्लाई कर लें, नो। क्रीज से नीचे हम डार्क शेड अप्लाई कर सकते हैं, क्रीज एरिया से ऊपर जो है हमारे पास उसमें हम लोगों ने डार्क शेड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। गाइस अब अपने हाथ पर मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगी कलर्स की ब्लेंडिंग, ठीक है। तो मैंने अपने हाथ पे फाउंडेशन लगा लिया है। अब कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आकर कहेंगे आपके हाथ पे कितने बाल हैं, तो भाई ये नेचुरल है, ठीक है, सबके होते हैं। तो हम चलें स्टार्ट कर लेते हैं कलर्स की ब्लेंडिंग। लाइट शेड और डार्क शेड की ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है, पहले हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पर्पल और पिंक की तो मैंने आपको करके दिखा दी आई डेमी पर। अब स्किन पर, नेचुरल स्किन पर किस तरह से हम लोगों ने कलर्स की ब्लेंडिंग करनी है उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं अप्लाई कर लूंगी जी डार्क ब्लू शेड, ठीक है। यहाँ मैंने डार्क ब्लू शेड, क्योंकि नेचुरल स्किन पे जो है वो ब्लेंडिंग करना कुछ अलग होता है और डमी के ऊपर जो है वो ब्लेंडिंग करना कुछ अलग होता है। यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है जी, आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा ब्लू शेड, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और अब मैं इसके अंदर जो है वो एक्वा ब्लू कलर जो है वो उसको ब्लेंड करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमने ये कलर अप्लाई कर लिया यहाँ। अब आप देख सकते हो कि देखो ये कलर अलग है, ठीक है। हमने इनकी करनी है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग हमने इतनी अच्छी तरह से करनी है कि ये दोनों कलर आपस में एक दूसरे के अंदर से निकलते हुए नजर आए। जो बीच में लाइन है हमने इसको ब्लेंड करना है, ठीक है, ताकि दोनों कलर्स बिल्कुल भी अलग नजर ना आए। अगर आपको लगे कि आपका कलर थोड़ा लाइट हो गया तो आप इसमें और कलर एड कर सकते हो, और दोनों कलर्स को आपने अच्छी तरह से कर लेना है ब्लेंड। ब्लू आपको मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे ब्लू थोड़ा सा एड कर लेती हूँ। ये हो रही है कलर ब्लेंडिंग, नॉट कलर मिक्सिंग। ये हम कलर को मिक्स नहीं कर रहे हैं, ये कलर को हम आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब मैंने इतनी ब्लेंडिंग की है कि इन दोनों कलर्स के दरमियान जो है कोई हार्श लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। एक कलर के अंदर से निकलता हुआ दूसरा कलर और दूसरे कलर के अंदर से निकलता हुआ पहला कलर नजर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कलर मिक्सिंग, कि हमने दो कलर को मिक्स करके तीसरा कलर कैसे बनाना है। तो हमने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था कि हम लोग जब रेड और येलो कलर को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज कलर बनता है। अब इसको आई मेकअप में किस तरह से हमने बनाना है वो हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। रेड कलर मैंने अप्लाई कर लिया, और रेड कलर अब मैं, लेट सपोज मैंने क्रीज में रेड कलर अप्लाई किया है और मुझे चाहिए था ऑरेंज कलर, और मेरे आई शेडो पैलेट में ऑरेंज कलर है ही नहीं, लेट सपोज, ठीक है। तो मैं रेड कलर अप्लाई करूंगी और रेड कलर के ऊपर मैं ऐड कर दूंगी येलो कलर, ये देखें। तो ये हमारे पास आ गया है जी ऑरेंज। अगर मुझे थोड़ा सा और लाइट ऑरेंज चाहिए तो मैं इसके अंदर और येलो कलर एड कर लूंगी,
तो इसको बोलते हैं आई शेडो मिक्सिंग। ये होती है मिक्सिंग, ये होती है ब्लेंडिंग। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में फर्क आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो गाइज होपफुली आज भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप लोगों ने मुझे अपने हैंड्स पर कलर्स की मिक्सिंग और कलर्स की ब्लेंडिंग करके दिखानी है डिफरेंट कलर्स से, ठीक है। जो कलर्स मैंने चूज किए वो कलर्स आपने नहीं चूज करने, आपने डिफरेंट कलर्स चूज करने और आपने ब्लेंडिंग और साथ में जो है वो मिक्सिंग करके मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे डीएम करनी है। ये चीज आप लोगों का होमवर्क है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है आपको कॉर्नर पर नजर आ रहा है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर भी फॉलो करना नहीं भूलना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।